हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दूध में मिलाकर ये एक चीज़ पी लो दोस्तों, आपको इतना विजिबल रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर किसी भी इंसान को नसों में ब्लॉकेज है, हड्डी में दर्द रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, यहाँ तक कि डायबिटीज की समस्या हो चुकी है, आपके शरीर में खून गाढ़ा हो चुका है, इसके कारण आपको वेरिकोज वेन की समस्या हो चुकी है, जॉइंट में पेन रहता है, जोड़ों में सूजन आ चुकी है, आपको चलने फिरने में दिक्कत आती है, रोजमर्रा का काम करने में परेशानी होती है, तो यह सभी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्र बढ़ने के साथ ये सभी समस्याएं, ये सभी बीमारियां हो जाती हैं, तो इनको बहुत आसान तरीके से दूर किया जा सकता है। और अगर आपकी उम्र कम है फिर भी ये बीमारियां हो चुकी हैं तो भी ये आपकी बॉडी से दूर हो जाएंगी, हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी, नसों की ब्लॉकेज दूर हो जाएगी। आपने इसे एज ए टॉनिक रात को सोते टाइम दूध के साथ लेना है। आप देखेंगे कि आपको पहले ही दिन में नतीजे दिखने लगेंगे। ये बहुत सिंपल सी रेमेडी है और इस पर ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भरना चाहते हैं, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई दुख होता है, अगर आप उस दुख को बाहर निकालना चाहते हैं तो आप हमारा ये चैनल हेल्दी लाइफ मोटिवेशन जरूर विजिट कीजिएगा। आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको एक और जानकारी देनी थी कि मैं 10 जनवरी को संडे यानी कि रविवार वाले दिन शाम को 7:15 बजे लाइव आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी घुटनों के दर्द का बहुत सस्ता और बहुत सटीक इलाज, कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करने चाहिए, चाहे ये दर्द बहुत पुराना हो इसका इलाज कैसे करना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है अलसी। अलसी के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है, साथ ही साथ कैल्शियम का खजाना है अलसी। आयुर्वेद में कहा गया है कि अलसी हमारे शरीर की 125 बीमारियों को दूर करता है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका है या बॉडी में एसिडिक हो चुकी है, वजन बहुत ज्यादा हो चुका है या फिर आपका पाचन तंत्र खराब हो चुका है, तो ये अलसी हड्डियों को मजबूती देती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है या बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी हो चुकी है तो अलसी बहुत ही अच्छी है आपके लिए। यह आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग कर देगी। अलसी आपके जोड़ों के दर्द को भी दूर कर देगी और जोड़ों में आई सूजन को भी दूर कर देगी। साथ ही साथ जिनको साइटिका तक की प्रॉब्लम हो चुकी है या फिर जुखाम बहुत ज्यादा रहता है, दमा की समस्या है, खांसी रहती है, उनके लिए भी अलसी बहुत अच्छी है। वात धातु और कफ धातु दोनों धातुओं को बैलेंस करने के लिए ये अलसी बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ जो भी थायराइड के मरीज है उनको भी अलसी का सेवन रोजाना करना चाहिए। आपको क्या करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच अलसी डालनी है। हल्का हल्का आप इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए। जब इसमें से चटक चटक की आवाज आने लगे तो आप गैस को बंद कर दीजिए। इसको बहुत ज्यादा काला नहीं करना और किसी प्लेट में जरूर निकाल लेना, नहीं तो उस पैन में पड़ी पड़ी ही काली हो जाएगी। तो आपने अब इसे ठंडी होने के लिए रख देना है। दूसरी चीज जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सौंठ का पाउडर। आप मार्केट से सौंठ का पाउडर लेके आ सकते हैं। सौंठ के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो बॉडी के अंदर जितनी भी इन्फ्लेमेशन आ चुकी है यानी सूजन आ चुकी है उसे दूर करती है। इसके अलावा ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करती है, ब्लॉकेज को दूर करती है, हड्डियों का दर्द तो दूर करती ही है, साथ ही साथ शरीर में जितनी भी वात पैदा हो जाती है, जब हमारे शरीर में वात के लिए वायु ज्यादा पैदा हो जाती है, जहाँ शरीर के जिस हिस्से में ये वात यानी वायु रुकती है वहीं दर्द पैदा कर देती है, इसीलिए आपने सौंठ पाउडर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये सौंठ पाउडर डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, तो आपने 3 चम्मच अलसी लेनी है और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर लेना है। तीसरी चीज जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, वो है दालचीनी। दालचीनी सिर से लेकर पैर तक की जहां भी नस ब्लॉक हो चुकी है उसको खोलने का काम करती है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है। अगर किसी इंसान की नसों में ब्लॉकेज के कारण नंबनेस हो रही है यानी कि हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, नंबनेस हो रही है, तो भी ये दालचीनी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा दालचीनी शरीर में से बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करती है, साथ ही साथ ये हड्डियों के दर्द को दूर करती है और नसों के रोगों को भी दूर कर देती है। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम में भी दालचीनी काफी फायदेमंद है। ये घुटनों में जितनी भी सूजन आ चुकी है या फिर कंधे में सूजन आ चुकी है, बैक पेन रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है, उस प्रॉब्लम में भी दालचीनी काफी फायदेमंद है। अब हमने यहाँ दालचीनी जो ले रहे हैं सिर्फ 1/4 चम्मच ही लेनी है।
चौथी चीज और आखिरी चीज जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हल्दी, और हल्दी जॉइंट पेन वालों के लिए एक औषधि का काम करती है। अगर आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो ये हल्दी बहुत फायदेमंद है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी हल्दी काफी अच्छी है, ये शरीर में नेचुरल इंसुलिन को पैदा करने में काफी हेल्प करती है। तो दोस्तों, हल्दी का सिर्फ आपने एक चम्मच ही लेना है। इस तरीके से आपने इन चारों चीजों को इकट्ठा करना है और इसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लीजिए। तो अब जान लेते हैं कि इन चारों चीजों से बने पाउडर को आपने किस टाइम लेना है, कैसे यूज करना है, किसके साथ इस्तेमाल करना है और किस टाइम पर लेना है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपने दूध के साथ करना है और रात को सोते टाइम ही करना है। इसके बारे में एक चीज कही जाती है कि हमारे शरीर में तीन धातुओं का प्रभाव रहता है। सुबह सुबह कफ धातु का प्रभाव रहता है, दोपहर के टाइम पित्त धातु का प्रभाव रहता है और रात के टाइम वात धातु का प्रभाव रहता है। हमारे शरीर में जिस टाइम पर जिस धातु का प्रभाव रहता है हमें वो चीजें तो नहीं खानी। जैसे रात के टाइम वात वाली चीजें नहीं खाई जाती, दोपहर के टाइम पित्त को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाई जाती और सुबह के टाइम कफ को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाई जाती। लेकिन अगर आपके शरीर में वात यानी वायु ज्यादा बढ़ती है, आपको जोड़ों में दर्द ज्यादा रहता है, जॉइंट पेन की समस्या है या हड्डियों पैरों में दर्द रहता है, तो आपने वात को दूर करने वाली जो भी औषधि है वो रात के टाइम जरूर लेनी है। इसीलिए आपने क्या करना है, एक गिलास दूध लेना है और उसमें आपने एक चम्मच इस मिश्रण का डालना है, वो भी गर्म दूध के अंदर, और रात को सोते टाइम आपने पीना है। जब आप 20 से 25 दिन इसे पी लेंगे तो आपको इसका असर दिखने लगेगा। जो भी हड्डियों का दर्द था, नसों में ब्लॉकेज थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था या फिर आपको ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से कहीं ऊपर जाता था, आपको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती थी, जब आप सीढ़ियां चढ़ते थे तो सांस फूल जाती थी या फिर घुटनों में दर्द होने लगता था, उठने बैठने में तकलीफ आती, तो इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत ही सेफ है और सर्दियों के दिनों में आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यही तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।